नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 और 17 अप्रैल तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह के ये दो दिन कैसे रहेंगे, ग्रह नक्षत्रों में क्या बदलाव होंगे, कौन कौन से शुभ योग बनेंगे और इनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह पड़ेगा, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, इन दो दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, हर एक चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 16 और 17 अप्रैल के तुला राशि फल के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये दो दिन आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए हैं, परंतु कुछ चीज़ों में आपको सावधानियां भी बरतनी हैं क्योंकि 16 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और ये स्थिति आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, नीचे लाल बटन है इसको दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें तुला राशि की वीडियो देखने के लिए, साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। बाद में आप भूल जाते हैं, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तुला राशि वालों, आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है तो कंजूसी ना करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। मित्रों, 16 अप्रैल 2022 को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, हस्त नाम का नक्षत्र है, हर्षण नाम का योग रहेगा, चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में यानी कि आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे जबकि सूर्य मेष राशि में है। 17 अप्रैल 2022 को कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है, चित्रा नाम का नक्षत्र है, स्वाति नाम का नक्षत्र है, दो दो नक्षत्र रहेंगे, व्रज नाम का योग रहेगा, चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे, सूर्य मेष राशि में है। तो ये था इन दो दिनों का ग्रह नक्षत्रों का हाल, इनके आधार पर हम आगे जानेंगे आज इन दो दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, किन चीज़ों में आपको लाभ होंगे और किन किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। मित्रों, हर एक दिन एक सा कभी नहीं होता, समय हमेशा बदलता रहता है, कोई दिन अच्छा तो कोई दिन बुरा होता है, किसी दिन हमारे काम सभी आसानी से पूरे हो जाते हैं तो कभी कभी बनते बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, कभी कभी हमारा मन काफ़ी प्रसन्न रहता है तो कभी कभी उदासी हमारे मन को घेरे रहती है। एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है? मित्रों, जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है, प्रवेश करता है, जब भी ग्रह नक्षत्रों में कोई बदलाव आता है तब उसका सकारात्मक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, जबकि कुछ चीज़ों में बुरे प्रभाव पड़ते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत सी सावधानियां हैं जिनको बरतना इन दो दिनों में आपके लिए ज़रूरी है, और वीडियो के अंत में एक उपाय भी है जिसको आपको करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इस उपाय को आप जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए बात कर लेते हैं आपके राशि, इन दो दिनों के राशिफल के बारे में। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपके लिए देखिए, आपके लगन भाव में चंद्रमा विराजमान है जिसको लाभ भाव कहा जाता है, तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बन रही है। इन दो दिनों में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होगी वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल होगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन में कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे जिसमें आपको कुछ ऐसे नतीजे भी देखने को मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे होंगे, जिनको देखकर आपको काफ़ी खुशी होगी। इस समय आप अपने जो साथ काम करने वाले सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करके अपने मन की व्याकुलता को दूर करने का काम करेंगे, मन को हल्का करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस दौरान कुछ नई बातें भी आपके सामने आ सकती हैं, कुछ नई बातें आपको पता चल सकती हैं जो आपको खुशियाँ देंगी। इसके अलावा देखिए, इन दो दिनों में आपके मान सम्मान बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे, अच्छे योग बन रहे हैं। इन दो दिनों में आपकी जो वाणी होगी वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, आप अपनी वाणी से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, साथ ही लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को फॉलो करेंगे। इस समय आप काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाले होंगे, साथ ही देखिए कुछ ऐसी चीज़ों में भी लोग आपकी तारीफ करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन भी आपका इन दो दिनों में अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक माहौल प्रेम से भरा रहेगा, एक दूसरे के आप ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई देंगे और आपके पिता इस समय आपको कोई नई चीज़ खरीद कर दे सकते हैं, यानी कोई नई ख़रीदारी आपके लिए वो कर सकते हैं जिसको पाकर आप काफ़ी खुश होंगे। आप दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे और इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं तो देखिए उनके लिए भी ये दो दिन काफ़ी अनुकूल रहेंगे, काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, प्रेम संबंध आपके बेहद रोमांटिक रहेंगे, प्यार परवान चढ़ेगा, प्रेम ज़्यादा रहेगा, रोमांस भी होगा, काफ़ी अच्छा समय आप एक दूसरे को दे पाएंगे क्योंकि लाभ भाव में आप चंद्रमा की स्थिति को देख पा रहे हैं। इस समय आपको कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है या किसी न किसी स्रोत से आपको बहुत मोटी संख्या में धन प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर इन दो दिनों में पैसे की आवक बड़ी अच्छी आपके लिए बनी हुई है, पैसे की कमी आपको नहीं रहेगी।
यदि आपके पास इस समय पैसा आता भी है तो आप उसको संचित करने के बारे में सोचें, उसको खर्च ना करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो आपका पैसा होगा इसको संचित करने से उसका बेनिफिट आपको आगे चलकर दिखाई देगा। बेवजह खर्च करने के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही माता पिता की सलाह मशवरा किसी काम को करने में यदि आप लेना चाहते हैं तो उनकी सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इस समय आपकी उनकी सलाह आपके बेहद काम आएगी। और अपने जीवन साथी की सलाह मशवरा भी ज़रूर लें जो आपका पार्टनर है, क्योंकि ये समय आपके लिए काफ़ी ऊर्जा देने का होगा, सहयोग देने का होगा। आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे क्योंकि इन दो दिनों में बड़े अच्छे योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं। जब भी ऐसे योग बनते हैं तो ये आप लोगों को एक एनर्जी देते हैं, आपके जो चारों तरफ का वातावरण होता है उसको सकारात्मक बना देते हैं, जिससे आप अपने आसपास के लोगों से, अपने सहयोगियों से, अपने सहकर्मियों से, परिजनों से अच्छे से पेश भी आते हैं, उनका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, हर कार्य में आपको सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। ये जो दो दिन हैं ये काफ़ी अच्छे आप लोगों के लिए कहे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए कुछ ठहराव की स्थितियां बनने वाली हैं। यदि आपके साथी ने आपसे कोई वादे किए हैं और वो पूर्ण होने में सक्षम नहीं है तो दोस्तों इस समय इसका असर आपकी लव लाइफ यानी प्रेम जीवन पर दिखाई देगा। आप एक दूसरे को भली भांति समझेंगे और अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुकून वापस लौट आया है, यानी आपके जीवन में खुशियां भी वापस आएंगी। तो इस समय का लाभ आप जरूर उठाएं, इसको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। इस दौरान आपको अपने हर रिश्ते में सामान्य से बेहतर फल देखने को मिलेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये दो दिन आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम साबित होंगे। यहाँ पर आपको कोई अच्छी खुशी की बात भी सुनने को मिल सकती है, जिसको सुनकर आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी, सुकून की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर हर तरह से स्थितियाँ मजबूत रहेंगी। और यदि देखिए आपके शत्रु हैं तो आप अपने शत्रुओं पर इस समय हावी रहेंगे, विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। इन दो दिनों में आपको किसी नई चीज़ के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, जिसका लाभ आप जरूर उठाएं। और यदि हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय आप अपने काम के प्रति काफ़ी समर्पित होंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अब आप अपने काम को लेकर थोड़ा सा भावुक हो जाएं, तो ऐसी स्थिति भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बस विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी ये समय उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो अभी अभी नए रिश्ते में बने हैं, यानी कि जब जिनका अभी अभी फिलहाल में विवाह हुआ है, उन लोगों के संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के भी योग इन दो दिनों में आपके लिए बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐसे कामों से भी सफलता प्राप्त होगी जो इस राशि के राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या किसी संस्था से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी उम्मीदों से भरा साबित होगा। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, जिसका लाभ आप जरूर उठाएं। साथ ही देखिए, इस दौरान आपको अपनी उम्र के लोगों के द्वारा प्रशंसा मिलती हुई दिखाई देगी, आपको खुशियां प्राप्त होंगी। इस समय देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निखर कर सामने आएंगे जो आसपास के लोगों का साथ पाकर दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, और आपके व्यक्तित्व से इस समय लोग काफ़ी प्रभावित होंगे, आपको पता नहीं होगा। इसलिए ये आपके हाथ में है कि आप अपनी छवि को किस तरह से इन दो दिनों में बरकरार रख पाते हैं, किस तरह से अपनी छवि को आप कायम रख सकते हैं। आपको ये मालूम है, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत अब आपकी यहाँ पर रंग लाएगी, आपका नाम रोशन होगा। सफलता के लिए आप एक सीढ़ी पार करेंगे और पूरा पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित करेंगे। इससे अपने आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी, आपको उचित फल की प्राप्ति होगी। इस दौरान लगातार काम करने से घर परिवार में जिम्मेदारियों को बखूबी रूप से निभाने की वजह से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, घर परिवार में आपको इज्जत मिलेगी और आपके पूर्ण घर वालों को आपसे प्रेम भी होगा, प्रेम स्नेह बढ़ेगा। ये समय एक गोल्डन पीरियड की तरह आप लोगों के लिए साबित होगा। इस नए समय का आप स्वागत जरूर करें, लाभ जरूर उठाएं। इसके अलावा देखिए, इन दो दिनों में कुछ स्थितियां ऐसी बनती हुई दिखाई नहीं है। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनको प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी में अपने प्रमोशन के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे तो इन दो दिनों में आप कोशिश जरूर करें। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसको पूरा करना आपको पूरा करके दिखाना है, ऐसी जिम्मेदारी को, तो यहाँ पर आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आप सभी अपनी योजनाओं को बनाकर तैयार रखें, जैसे ही समय अनुकूल बनता है आप अपनी योजनाओं को अमल में ला सकते हैं, जिसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी इन दो दिनों में बेहद अनुकूल रहेगी, आर्थिक रूप से काफ़ी आप मजबूत होंगे। शोक कामों से अगर आप जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए शानदार है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। देखिए, कोई कागजी कार्रवाई यदि आप करते हैं, कोई कागजी काम करते हैं, तो सबसे पहले उसके दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें, इसके बाद ही उन पर हस्ताक्षर करें। कागजी कामों में कोई भी लापरवाही ना करें, कोई भी पेपर बिना
पढ़े साइन ना करें वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं। इन बातों का इन दो दिनों में आप ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा बताते हैं एक विशेष उपाय, इन दो दिनों में आप सूर्यदेव को जल से अर्घ्य जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।